तो भाई चालू करते हैं प्राइवेट से। इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कौन सा वाला भाई? बीकॉम ऑनर्स के चाहे प्रोग्राम का हो, दोनों को ये वाली बुक पढ़नी पड़ेगी। सेमेस्टर थ्री में हो बस सेमेस्टर फाइव में, तो भाई बीकॉम ऑनर्स में हो चाहे बीकॉम प्रोग्राम, सेमेस्टर थ्री और सेमेस्टर फाइव आपको ऑनर्स चाहिए। आपकी बुक है नाम HRM, क्या नाम है आपका? आपका नहीं मतलब आपकी बुक का नाम है भाई HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आसान है? हाँ जी। जिसका चैप्टर नंबर चालू कर रहे हैं आठवां, जिसका नाम है पोटेंशियल अप्रेजल एंड एम्प्लॉय काउंसलिंग, यानी कि पोटेंशियल अप्रेजल और एम्प्लॉय काउंसलिंग के बारे में यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है भाई? हाँ जी। यानी हम जो एम्प्लॉयज हमारे पास काम कर रहे हैं उनका पोटेंशियल कैसे चेक किया जाए वो सीखेंगे, और दूसरी चीज उनकी काउंसलिंग कैसे करी जाए, उनको कैसे क्या बोलते हैं मोटिवेट किया जाए, वो सब चीजें के बारे में सीखेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए वो सीखेंगे। आसान भाई? हाँ जी। तो चालू करने से पहले बता दूं, अगर किसी को नोट्स परचेस करने हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आराम से नोट्स परचेस कर सकते हो। पीडीएफ के फॉर्म में कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स मिलेंगे, क्योंकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत बेकार है। आसान भाई? तो इस वजह से कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स में आके पूरे के पूरे इंग्लिश में, ठीक है भाई, पूरे यूनिट के आपको मिल जाएंगे, एक चैप्टर का नहीं पूरी यूनिट का मिलेगा आपको। जो भी मिनिमम चार्जेस हो गए आप आराम से पे करके व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना भाई, कॉल मत करना जल्दी से, क्योंकि क्या होता है कॉल बिजी बताएगा आपका, फोन बिजी बताएगा, तो ज्यादा परेशानी होगी आपको भी हमको भी, तो ज्यादा करता व्हाट्सएप करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो नंबर है भाई 8059639586, 8059639586। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी जो पीडीएफ है वो परचेज कर सकते हो। आसान भाई? हाँ जी। तो शुरू करते हैं, फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक का नाम क्या आता है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है भाई पोटेंशियल अप्रेजल। अब ये पोटेंशियल अप्रेजल मतलब क्या होता है? अब ना देखो, इससे पहले हमने किया था भाई प्रॉब्लम चेक करने वाला, या फिर जो इंप्लॉयज थे उनको चेक करने वाला काम, यानी हमने किया था परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि परफॉर्मेंस चेक करी थी अपने इंप्लॉयज कैसे काम करते हैं। इस बार हमें सीखना है भाई पोटेंशियल अप्रेजल, यानी कि परफॉर्मेंस उनकी पोटेंशियल कैसे चेक करें कि भाई वो किस तरह काम कर पाएंगे, और हमारी जो हमारी इकोनॉमी है या फिर जो हमारी क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन है उसको कितना बेनिफिट पहुंचा पाएंगे। आसान है? तो मैं शुरू करता हूं भाई। सबसे पहले पोटेंशियल अप्रेजल में क्या होता है पोटेंशियल अप्रेजल? इट्स ऑब्जेक्टिव टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी सॉरी ऑफ एन एम्प्लॉय टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्या कोई भी वो एम्प्लॉय तैयार है या नहीं है, वो चेक करना ही क्या कहलाता है पोटेंशियल अप्रेजल। तो पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है? एक आपको बस चेक करना है कि जो एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहा है उसके अंदर इतना पोटेंशियल है या नहीं कि वो हमारी एम्प्लॉय या फिर जो एम्प्लॉय हमारे पास वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। आसान है? किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए वो जो एम्प्लॉय है उसके पास इतनी पोटेंशियल है या नहीं है वो आपको चेक करना ही है, किसके अंदर? पोटेंशियल अप्रेजल में। आसान था भाई? हाँ जी। शुरू करते हैं, अगला टॉपिक आता है स्टेप्स ऑफ गुड पोटेंशियल अप्रेजल। एक अच्छे तरीके से पोटेंशियल को कैसे चेक किया जाता है उसका तरीका, यानी अगर आप चेक करने जा रहे हो पोटेंशियल अप्रेजल करने जा रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो आप कैसे चेक करोगे, वो कैसे पता चलेगा, मतलब क्या क्या चीजें आप देखोगे अगर आप किसी का पोटेंशियल चेक करने जा रहे हो, यानी कोई एम्प्लॉय अच्छा है या फिर कोई एम्प्लॉय ज्यादा डेवलप कर रहा है काम में, यानी अच्छे तरीके से काम कर पा रहा है, तो उसका कैसे चेक किया जाएगा भाई क्या पोटेंशियल होना चाहिए उसके पास और क्या पोटेंशियल नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज रोल डिस्क्रिप्शन, हम क्या चेक करेंगे, यानी जो उसको काम दिया गया है क्या वो अच्छे तरीके से वो काम कर पा रहा है। अगर वो उस काम को अच्छे तरीके से कर पा रहा है हाँ भाई, तो इस एम्प्लॉय के ग्रोथ होने के चांसेस या फिर इस एम्प्लॉय का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, यानी वो अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आसान है? हाँ जी। तो चालू करते हैं अगला। अगला आता है भाई क्वालिटीज, यानी कि जो वो माल बना रहा है या फिर जो वो प्रोडक्ट चलता है हमें डिलीवर कर रहा है या फिर जिस तरीके वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो वो अच्छे तरीके से चलते हैं डेवलप हो पाएगा, उसका पोटेंशियल अच्छा होगा, लेकिन अगर क्वालिटी बेकार है तो उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। आसान है? क्वालिटीज होनी मैटर करती है भाई, क्वालिटीज होनी चाहिए आपके पास। ऑर्गेनाइजेशन द सिस्टम, क्या वो ऑर्गेनाइज कर पा रहा है, यानी कि जितने भी हम उसको सिस्टम दे रहे हैं या फिर जिस भी सिस्टम के अंदर उसको ढाल रहे हैं क्या वो सबके साथ तालमेल बैठा के काम कर पा रहा है, यानी कि अगर सबके साथ बातचीत करके काम करवा पा रहा है, यानी कि अगर वो हर चीज को ऑर्गेनाइज कर पा रहा है या फिर हर चीज को वो संभाल पा रहा है तो मतलब उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वो और ज्यादा इंप्लॉय और अच्छे तरीके से काम कर सकता है। लेकिन अगर कोई इंप्लॉय ऐसा है जो संभाल ही नहीं पा रहा, दो मतलब उसको दो ही काम दिए थे भाई और वो ही नहीं कर पा रहा वो, तो उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, वो काम नहीं कर सकता आगे। समझाया? फीडबैक समझाया? अगर वो कोई इंप्लॉय ऐसा है जो लगातार हमसे फीडबैक लेता रहता है, हमको फीडबैक देता रहता है कि हमारा काम कैसा था और आपका काम कैसा था, मतलब जो फीडबैक लेता रहता है हमसे, उसके अंदर पोटेंशियल बना रहता है कि भाई वो आगे भी डेवलप कर पाएगा, क्योंकि भाई वो गलतियों को ठीक करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर फीडबैक नहीं है तो पोटेंशियल ठीक नहीं हो पाएगा या फिर काम नहीं कर पाएगा वो एम्प्लॉय ज्यादा देर तक। करते हैं, बात आती है बेनिफिट की, यानी फायदा क्या होगा ये पोटेंशियल अप्रेजल का, यानी कि किसी का पोटेंशियल चेक करके क्या फायदा मिलेगा। पहली चीज रिव्यूइंग प्रेजेंट
परफॉर्मेंस, हम ये चेक कर सकते हैं किसी की पोटेंशियल चेक करके कि हम उसकी परफॉर्मेंस आज के टाइम पे कैसे चल रही है। जैसे जब वो एम्प्लॉय आया था अच्छे तरीके से काम कर रहा था, लेकिन अब उसकी क्या होता है थोड़ा इंटरेस्ट जो है बिजनेस में से हटता जा रहा है, तो क्या वो अच्छा साइन होगा? नहीं जी, वो अच्छा साइन नहीं होगा। तो उसका पोटेंशियल आपको बता देगा, यानी कि जो पोटेंशियल अप्रेजल है, पोटेंशियल चेक करने का काम जो है, वो आपको बता देगा कि वो ठीक तरीके से काम कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा। आसान है, जिसकी जिससे हम क्या कर सकते हैं उसकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस पहचान सकते हैं भाई वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आसान है, पोटेंशियल अप्रेजल ही बताता है। जैसे कोई नया बंदा आया 30-40 साल की उम्र का है, तो फिर वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, है ना। वहीं पर कोई बुढ़ा इंसान जो हमारे पास काम कर रहा है या फिर जो इसका एज ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, लगभग 70-70 के आसपास पहुंचने वाला है, 60-70 के आसपास पहुंचने वाला है, ठीक है भाई, तो वो अच्छे तरीके से नहीं काम कर पाएगा। और वो कौन बताएगा? वो बताएगा पोटेंशियल अप्रेजल। आसान है कि वो उसके अंदर कितना पोटेंशियल है काम करने का। आगे चलते हैं, एनालाइज पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो इसमें क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो पर्सनैलिटी के बेस पे भी हम बता सकते हैं भाई कौन सा ज्यादा तरक्की कर पाएगा, कौन सा बिजनेस में ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएगा, कौन सा अच्छे तरीके से काम करेगा या फिर नहीं काम करेगा। आसान है, हाँ जी। तो इससे क्या फायदा मिलता है, इससे ना पर्सनैलिटी पता चल जाती है हमें एम्प्लॉयज की कैसी पर्सनैलिटी है। री लुकिंग एट पास्ट एक्सपीरियंस, और जो पोटेंशियल अप्रेजल होता है ना, ये हेल्प भी करता है कि भाई पिछले उस टाइम पे जब ये बंदा नया नया आया था, एम्प्लॉयज जब नया नया आया था, उससे कंपेयर करने में कि पहले वो कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता था, लेकिन अब वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। जब वो छोटा नया नया आया था, जब उसके पास जोश सजावानी का काम करना था उसे, तब वो कैसा काम कर रहा था और अब वो कैसा काम कर रहा है, ये भी हेल्प करता है चेक करवाने में कौन पोटेंशियल अप्रेजल। शुरू करते हैं, हाँ जी, आगे चलते हैं। अगला आता है भाई कंसर्निंग एज। क्या लिख दिया ये? ओ, ये डी है भाई, सी और एल नहीं है। कंसीडरिंग एज एंड क्वालिफिकेशन, क्या करना, कंसीडरिंग एज एंड क्वालिफिकेशन। तो पोटेंशियल अप्रेजल बताता है भाई कि क्या होता है कोई अच्छा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर उसके अंदर पोटेंशियल है ग्रोथ करने का या फिर पोटेंशियल नहीं है, वो भी क्या कंसीडर करने के बाद, एज और ग्रोथ का डिसीडर करने के बाद। आसान है, वरना हमने जो परफॉर्मेंस एनालिसिस किया था उस टाइम में हमने परफॉर्मेंस जो चेक करी थी, बस हम ये देख रहे थे कि वो परफॉर्मेंस कैसी प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है या फिर बेकार परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बायस हो सकते हैं हम लोग, जैसे कि जो नए नए बंदे होंगे वो थोड़ा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे और जो पुराने बंदे होंगे वो थोड़ा क्या होता है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे प्रोडक्शन में। बल्कि जो आप सर्विस के हिसाब से भी अलग हो सकता है, जैसे कि सर्विस मेथड में जो पुराने बंदे होंगे वो ज्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है पूरा पूरा, और जो नए बंदे होंगे या फिर जो नए नए जो युवा पीढ़ी होंगे उनका उतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो वो अच्छे सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट और क्या बोलते हैं सर्विस आप क्या देना चाहते हो, उस हिसाब से एज और क्या बोलते हैं उसकी क्वालिफिकेशन। आसान है, और जो कि हेल्प करेगा कौन डिटरमाइन करने में, पोटेंशियल अप्रेजल। पोटेंशियल अप्रेजल बताएगा कि भाई उसकी एज और उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्या वो इस काम को करने के लिए उपयुक्त है या फिर नहीं। आसान है, तो पोटेंशियल अप्रेजल से आपको पता चल जाएगा आराम से, प्रोफाइल मतलब पोटेंशियल चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि वो ये काम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता उसकी एज और उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। हाउ टू लीडिंग इंडियन कंपनीज, मतलब कि हाउ टू लीडिंग इंडियन कंपनीज अप्रेज पोटेंशियल। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कैसे चेक करते हैं किसी इंप्लॉय का पोटेंशियल कि वो किस तरीके से काम कर पाएगा। आसान है, हाँ जी। तो पहला लो पोटेंशियल लो प्रोसेस, सॉरी लो पोटेंशियल लो परफॉर्मेंस। तो ऐसा मतलब तो देखिए, एक ऐसा इंप्लॉय जिसके पास पोटेंशियल भी कम है और एक ऐसा और उसके पास क्या है परफॉर्मेंस भी कम है, यानी कि वो उसके बाद ग्रोथ होने की ज्यादातर चांसेस नहीं है और उसके बाद परफॉर्मेंस भी क्या कर पा रहा है वो कम दे पा रहा है। जैसे कि उसकी मान लो कोई ऐसा इंप्लॉय है जो 60-70 के आसपास आ चुका है, ठीक है, उसका रिटायरमेंट का टाइम आ गया, तो इस वजह से वो उतनी पोटेंशियल उसके अंदर नहीं है कि वो आगे ग्रोथ कर पाए और इतना वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा कि भाई इससे कंपनी को बेनिफिशियल हो पाए। आसान है, ज्यादातर एज कौन सी होती है भाई 60 से 70 एज के आसपास के लोग जो जाते हैं, इस वजह से उन्हें निकालना पड़ जाता है। तो पोटेंशियल अप्रेजल बता देता है बड़ी बड़ी कंपनियों को कि ये एम्प्लॉय ऐसी कैटेगरी में आते हैं, और एम्प्लॉय जो कंपनी होती है वो इन लोगों को रखना उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करती है क्योंकि इनके पास पोटेंशियल भी कम होता है और परफॉर्मेंस भी क्या होती है कम होती है। आगे चलते हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं लो पोटेंशियल और हाई परफॉर्मेंस, जिनकी पोटेंशियल तो कम होती है और परफॉर्मेंस क्या होती है बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि लेबर के तौर पे जितने भी लोग काम करते हैं उनके पास पोटेंशियल कम है, वो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे अपने आप में, लेकिन वो परफॉर्मेंस क्या दिखाते हैं हाई दिखाते हैं, यानी काम करके क्या दिखाते हैं ज्यादा काम करके दिखाते हैं। समझ में, जितने भी लेबर के लोग काम होते हैं वो ऐसी मतलब इनकी इस कैटेगरी में आते हैं, यानी 70 से 75% जो कंपनी के अंदर वर्कर होते हैं वो कौन होते हैं ये वाले, यानी इनके पास पोटेंशियल लो होता है लेकिन परफॉर्मेंस क्या दिखाते हैं वो ज्यादा दिखाते हैं कि वो ज्यादा काम कर सकते हैं। आसान है, हाँ जी। आगे चलते हैं, हाई पोटेंशियल और लो परफॉर्मेंस। कंपनी जो होती है ज्यादातर वो ऐसे ही बंदे ढूंढती हैं कि ऐसे बंदे होने चाहिए जिनकी परफॉर्मेंस लो आ रही हो, यानी कि वो ठीक से उतना काम नहीं कर पाए लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल खूब बड़ा होना चाहिए, कि ऐसा इंप्लॉय जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है वो ग्रोथ कर करके अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है।
लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा उतनी अच्छी, तो फिर कंपनी ऐसे बंदों को ज्यादातर पकड़ती है क्योंकि इनकी पोटेंशियल परफॉर्मेंस बाद में बढ़ा दी जा सकती है, या फिर आप इसको सिखा सिखा के उनको क्या बोलते हैं बढ़ा सकते हो, क्योंकि उनके अंदर क्या है पोटेंशियल ज्यादा है बढ़ाने का, ग्रोथ करने का। तो इस वजह से ये बेस्ट रहते हैं। और सबसे बेस्ट रहता है भाई हाई पोटेंशियल और हाई परफॉर्मेंस। अगर कोई एक कंपनी को ऐसा बंदा मिल जाता है जिसके अंदर पोटेंशियल भी हाई है और वो परफॉर्मेंस भी हाई निकाल के देता है, इस तरह के एम्प्लॉय को बोलते हैं स्टार एम्प्लॉय। क्या बोलते हैं? स्टार एम्प्लॉय, यानी बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बहुत अच्छा पोटेंशियल निकालता है, यानी कि बिजनेस को कोई दिक्कत ही नहीं होती इस एम्प्लॉयज के वजह से। अगर ये एम्प्लॉय जाता है तो बिजनेस कभी छोड़ती ही नहीं, चाहे रिटायरमेंट हो जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। आसान है? हाँ जी, ऐसे एम्प्लॉयज को कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, तो इस तरीके से जो कंपनियां होती हैं वो चार स्टेडीज में बांट देती हैं अपने एम्प्लॉयज को, और उनमें से एक चूज कर लेती हैं कि कौन सा उनकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है और कौन सा बेनिफिशियल नहीं है। आसान था भाई? ठीक, चलो बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग। ठीक है भाई, यहाँ पे पोटेंशियल अप्रेजल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया भाई, यहाँ पे खत्म हो गया, बस छोटे छोटे चैप्टर रह गए बस आपके एचआरएम के। ठीक है, बहुत छोटे छोटे, जल्दी जल्दी करवा देंगे हम। ठीक है भाई, हाँ जी, शुरू करते हैं बराबर से कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग। अभी एम्प्लॉय की काउंसलिंग कैसे करी जाए उसका कंसेप्ट है। ठीक है, अब काउंसलिंग होती क्या है पहले ही समझते हैं। तो काउंसलिंग क्या होती है? डिस्कशन ऑफ एन इमोशनल प्रॉब्लम, कोई इमोशनल प्रॉब्लम को डिस्कस करना विद एन एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय के साथ, विद द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमाइजिंग इट। उसका जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि प्रॉब्लम को क्या करे, कम से कम करा जाए इसके, उसको क्या बोलते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग मतलब क्या होता है? खाली डिस्कस करना, बात करना अपनी प्रॉब्लम्स को किसी दूसरे के साथ, आसान है, ताकि उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, यानी कि कम करा जा सके। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सके, उसी को क्या बोलते हैं काउंसलिंग करना। सिंपल था ना भाई, काउंसलिंग होता है, सुना ही होगा आपने फिल्मों में, काउंसलिंग करते हैं या फिर टीचर काउंसलिंग करते हैं कई बार, कि भाई हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व आउट करने के लिए काउंसलिंग करी जाती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व आउट कर दिया या फिर मिनिमाइज कर दिया है कम से कम। आसान है, उसी को बोलते हैं काउंसलिंग। अब काउंसलिंग क्या कर, मतलब क्यों करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्यों करी जाती है? पहली चीज भाई, फुल पोटेंशियल, किसी इंसान को फुल पोटेंशियल पे काम करवाने के लिए काउंसलिंग करी जाती है, क्योंकि जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी तो वो अपनी फुल पोटेंशियल पे काम कर पाएगा, जितनी भी उसकी दिक्कतें कठिनाइयां बिजनेस में कम हो जाएंगी, वो अपना अच्छा दे पाएगा, आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ा पाएगा। आसान है भाई? हाँ जी, प्रॉब्लम्स होगी तो काम नहीं कर पाएगा ठीक से, प्रॉब्लम्स जब सॉल्व हो जाएंगी तो वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम करेगा। अगला स्वॉट अंडरस्टैंडिंग, अगर प्रॉब्लम्स होगी तो फिर इस वजह से वो पहचान नहीं पाएगा उसकी स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, या फिर क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है, फिर क्या बोलते हैं उसकी वीकनेसेस क्या है, ये सब पहचान नहीं पाएगा। अगर उसके पास क्या होगी, मतलब प्रॉब्लम्स होंगी, वो प्रॉब्लम्स में उलझा रह जाएगा, और प्रॉब्लम्स हट गई तो वो अपनी स्ट्रेंथ पहचान पाएगा, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है वो चीज जान पाएगा। आसान है? हाँ जी, तो स्वॉट अंडरस्टैंडिंग में क्या हो जाती है, सहायता मिल जाती है, इंक्रीज इन बिहेवियर, उसका बिहेवियर अच्छा हो जाता है। सॉरी भाई, गला पता नहीं क्यों खराब हो रहा है मेरे को, हर वीडियो के अंदर खांसी आ जाती है। हाँ, क्या करें, चल करते हैं, कोई उपाय हो तो बता दो भाई कमेंट में। ठीक है, गला खराब हो रहा है, दवाई लेके देख ली, हो नहीं रहा। ठीक है, अमृत जी वो आ रहा है, राजा क्या नाम है उनका, रामदेव जी का वो क्या नाम था, कंठ अमृत, उसको भी लेके देख लिया, हो नहीं रहा कुछ, कुछ बताइए अगर कुछ मिल रहा तो। हाँ जी, शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव भाई, फायदे क्या होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या होता है, इंक्रीज इन बिहेवियर, बिहेवियर अच्छा करने का। आसान है, यानी कि उसका क्या बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव, अगर हम काउंसलिंग करते हैं किसी की तो उससे उसका बिहेवियर क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। काउंसलिंग करने से बिहेवियर क्या हो जाता है एम्प्लॉयज का, अच्छा हो जाता है, वो अपना आउटपुट बढ़ा सकता है, पोटेंशियल फुल पोटेंशियल पे काम कर पाएगा। ये सब फायदे होते हैं भाई, ये सब ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसीलिए हम काउंसलिंग करते हैं, और यही सब हमें क्या मिल जाते हैं, मेरिट्स के रूप में मिल जाते हैं। तो यही मेरिट्स हैं, यही बेनिफिट्स हैं किसके, काउंसलिंग करने के। चलो करते हैं भाई, अगला टॉपिक आता है नीड ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग की नीड क्यों पड़ती है। पहला चीज, बिजनेस में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो या फिर बिजनेस में कोई लड़ाइयां चल रही हो, झगड़े चल रहे हो, तो बिजनेस में अच्छा काम नहीं हो पाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए, लड़ाइयों को हटाने के लिए, लड़ाई को सॉल्व आउट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है भाई, हाँ जी, इसकी, काउंसलिंग की। अगले चलते हैं फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपने फ्रस्ट्रेशन को शांत करने के लिए, जो भी परेशानी हो रही है, जो भी झगड़ा हो रहा है, दिमाग में घुसा हुआ है, उसको निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, काउंसलिंग की। उसके बाद स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, जितनी भी दिक्कत होती है, जितना भी स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है दिमाग पे, उसको निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, काउंसलिंग की। ठीक है भाई, हाँ जी, आगे चलते हैं। फंक्शंस, यानी कि काउंसलिंग जो होती है वो कैसे काम करती है, क्या काम करती है, उसके बारे में सीख रहे हैं। तो काउंसलिंग कैसे काम करती है, क्या क्या काम किया जाता है काउंसलिंग के अंदर, पहली चीज, काउंसलिंग के अंदर जो काउंसलिंग करने वाला है वो आपको एडवाइस दे सकता है, बता सकता है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, तो एडवाइस दे सकता है, वो कम्युनिकेशन कर सकता है, यानी बातें कर सकते हो आप काउंसलिंग के अंदर, ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो उसके। ठीक है, आपकी टेंशन को कम किया जा सकता है काउंसलिंग के अंदर, तो काउंसलिंग टेंशन कम करने का काम करती है। उसके बाद
क्लैरिफाइड थिंकिंग, जो थिंकिंग है उसको सुधारने का काम करती है, यानी कि थिंकिंग को क्लैरि मतलब क्लैरिफाइड करने का, यानी कि क्लियर करने का काम करती है। क्योंकि अगर थिंकिंग क्लियर होगी तो फिर हमारा ऑब्जेक्टिव हमारे आंखों के सामने होगा और हम अपने ऑब्जेक्टिव के रास्ते फुलफिल कर सकते हैं काउंसलिंग के जरिए। श्योर थे भाई। अगला आता है फॉर्म्स ऑफ काउंसलिंग। क्या आता है फॉर्म्स ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग किस किस फॉर्म में करी जा सकती है, किस किस तरीके से हम अपने इंप्लॉयज को सिखा सकते हैं या फिर समझा सकते हैं। तो पहला फॉर्म आता है डायरेक्टिव फॉर्म। डायरेक्टिव फॉर्म क्या होता है, इसके अंदर ना हम उनकी बातें सुनते हैं और उनको बताते हैं कि आपको ऐसा काम करना चाहिए और इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, या फिर आपको अगर आप ऐसे करोगे तो फिर ये बेस्ट आउटपुट निकल के आएगा इससे, ऐसा ना उनकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने का काम करते हैं। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है, हम ना उनकी जितनी भी मेंटल इश्यू होते हैं, जितने भी मेंटल हेल्थ के हिसाब से या फिर जितने भी उनका इमोशनल जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको क्या कहते हैं सुनने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वो इंसान किस दिक्कत से क्या कहते हैं गुजर रहा है, अच्छा ना, जिसके अंदर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते कि उसको समझाएं ज़्यादा उसको से, क्योंकि कुछ लोग होते हैं भाई उनको खाली अपनी बातें बतानी होती है, अपनी प्रॉब्लम्स अपनी शेयर करनी होती हैं। तो नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है, हम ज़्यादातर फोकस करते हैं उनकी चीज़ें सुनने पे, ऐसा ना, जबकि डायरेक्टिव में क्या होता है पहले हम उनकी बातें सुनते हैं और उसको एडवाइस देने में फोकस करते हैं कि भाई क्या क्या करना चाहिए आपको क्या होता है अपने डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है, हम उन पर इमोशनली जो उनकी बातें होती है वो सुनने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा एडवाइस देने की कोशिश नहीं करते, ऐसा ना, हाँ जिनको समझने की कोशिश करते हैं कैसा बिहेवियर हो रहा है आपका, किस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। कोऑपरेटिव काउंसलिंग, कोऑपरेटिव काउंसलिंग मिक्सअप होता है किसका, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव में। हम कोई से मेथड यूज करते हो, किसी भी तरीके से यूज करते हो, दोनों में मिला के भी यूज करते हो, किसी दिन आपने खाली सुना उनके बारे में, अगले दिन आपने उनको सुना और उसके बाद समझाया भी उनको कैसे करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, आप कोई सा भी मेथड यूज करते हो क्या बोलते हैं कॉर्पोरेटिव काउंसलिंग के अंदर, आसान है। ये तीन तरीके होते हैं काउंसलिंग करवाने के लिए, डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव और कॉर्पोरेटिव काउंसलिंग। आसान था भाई, बहुत छोटा चैप्टर है, बस ये छोटे छोटे टॉपिक है और आपका चैप्टर खत्म। अगर आता है प्रोसेस की स्टेज, यानी आप जो काउंसलिंग करते हो, काउंसलिंग मतलब क्या होता है समझाना किसी को, तो समझाने की जो स्टेप्स होते हैं वो पहला स्टेप क्या है, प्रिपरेशन स्टेप। आप यहाँ पे तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो किसकी, काउंसलिंग की, काउंसलिंग स्टेज की तैयारी करी जाती है। तैयारी में क्या होता है, स्टार्टिंग में जब मतलब दो तीन दिन के लिए जब काउंसलिंग करवाने के लिए बंदा आता है तो फिर वो आपको जानता नहीं है, तो काउंसलर जो होता है वो क्या करता है भाई, काउंसलर उससे बातचीत करता है, उससे जानने पहचानने की थोड़ी अपनी बढ़ाता है, जिससे वो मेरे को जान पाए मैं उसको जान पाऊँ, ताकि हम दोनों क्या हो पाए थोड़े से ओपन हो पाए, ताकि उसकी वो अपनी प्रॉब्लम थोड़ा आराम से रख पाए हमारे सामने, ठीक है। हाँ जी, तो प्रिपरेशन स्टेज में क्या होता है, दोनों प्रिपेयर करते हैं अपने आप को ताकि वो एक दूसरे को अपनी बातें बता सके। इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज क्या होता है, सीधा वो याद आता है जिसके अंदर हम क्या होता है अपनी सारी बातें बता रहे होते हैं काउंसलर को, ताकि हमारी क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लास्ट में आता है हेल्पिंग स्टेज। हेल्पिंग स्टेज क्या होता है, जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, जो काउंसलर होता है वो हेल्प कर रहा होता है, वो बता रहा होता है कि आपको ऐसा ऐसा काम करना चाहिए, आसान है। हाँ जी, तो ये तीन स्टेज होती है जिस स्टेज के थ्रू हम क्या करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को या फिर अपनी काउंसलिंग के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं, आसान भाई। यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर, यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है भाई। हाँ, बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया, काउंसलिंग जब करने जाते हैं तो वहाँ पे कितने तरह के मेंबर होते हैं, तो भाई एक तो होता है काउंसलिंग, जो सुन रहा होता है, जो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा होता है उसे बोलते हैं काउंसलिंग, और जिसके पास आया होता है वो बंदा अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए या फिर जो क्या होता है उसे समझा रहा होता है वो चीज, वो कौन होता है, वो होता है काउंसलर। तो एक काउंसलर होता है, एक क्या होता है काउंसलिंग होता है, आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, तो ये दो टर्म्स होती हैं जो क्या इसके अंदर यूज करी जाती हैं, और अगर आप इफेक्टिव करना चाहते हो अपनी काउंसलिंग, अच्छे तरीके से काउंसलिंग करना चाहते हो, तो फिर जो काउंसलर होता है उसको अपनी एडवाइस अच्छे तरीके से देनी पड़ेगी, ठीक है, और उस सामने वाले की बात सुननी पड़ेगी अच्छे तरीके से, और जो काउंसलिंग होता है जो सुनता है वो बातें, तो वो क्या करेगा, उसकी ये वो ड्यूटीज बनती है कि वो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो पूरा ओपनली हो गए आराम से क्या करे उसे बता पाए, आसान है। हाँ जी, इफेक्टिव काउंसलिंग तभी हो पाती है, और तीसरी भाई उसकी जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए, आसान है। हाँ जी, तो इफेक्टिव काउंसलिंग में आपको हेल्प मिलती है। यहाँ पे खत्म हो गया आपका पूरा चैप्टर, ठीक है भाई। इस चैप्टर से थोड़ा केस स्टडी के टाइप का क्वेश्चन आता है, तो तैयार कर लेना, बुक्स में जॉब के होंगे दो क्वेश्चन दे रखे होंगे, क्या बोलते हैं केस स्टडी वन और केस स्टडी टू नाम के, वो तैयार कर लेना, ठीक है भाई, बाकी हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो केस स्टडी कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नीचे केस स्टडी दो दे रखी थी भाई, दो दो पेज की केस स्टडी है, तो मैं यहाँ पे लिख तो सकता नहीं हूँ केस स्टडी, तो आप खुद कर लोगे आराम से, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और अगर नहीं, ठीक है भाई, मेरे लिए ज्यादा बेटर है, या तो एक काम करूंगा, केस स्टडी जितनी भी होगी ना भाई, खाली क्वेश्चन आपकी हेल्प के लिए आंसर नहीं दूंगा, या तो आंसर भी दूंगा, देखिए जैसा बनता पाता है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा जो भी क्या बोलते हैं केस स्टडी होगी उसके उसमें फॉर्म में। मेरे हिसाब से भाई क्वेश्चन पहले आप पूरा केस पढ़ लेना, जो भी पहला केस या फिर दूसरा केस, दो केस स्टडी है मुक्कों की, मैं वही केस स्टडी डालने वाला हूँ सीधा उसके अंदर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो वहाँ पे आप जाके पूरी केस स्टडी पढ़ लेना आराम से, उसके क्वेश्चन दे रखें, आप खुद ट्राई करना, अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो फिर उसके अंदर आंसर भी दे रखे हैं मैंने केस स्टडी के सॉल्यूशंस के, ठीक है भाई। देखूंगा अगर मिल जाते हैं आंसर तो भाई दे दूंगा मैं, अगर मेरे को आंसर नहीं मिल पाता या फिर मेरे से बन नहीं पाता, टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि भाई बहुत जल्दी क्लासेस बनानी पड़ रही है आपकी,
ठीक है, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, अगर मेरे को आंसर नहीं मिल पा रहे तो भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है भाई। हाँ जी, और आपको पता है कैसे लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना फटाफट से, आप क्या बोलते हैं वहाँ पे पेज पे आ जाओगे, पीडीएफ का फॉर्म होगा, मतलब पीडीएफ का पेज होगा, आप आराम से चेकआउट कर लोगे, उसको देख लोगे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर आज का, तो आज के लिए बस नहीं, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जिसने कर रखा है भाई पहले से तो भाई सच बता रहा हूँ इस खांसी से और सच बता रहा हूँ दिल से, कलेजे से, गुर्दे से, फेफड़ों से, भाई सबसे थैंक यू है दिल से, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा कोई बात नहीं भाई, आराम से कर देना बाद में, ठीक है। हाँ जी, आप भी यही हो, हम भी यही हैं, ठीक है, मिलते हैं फिर कभी, ठीक है, आपके एग्जाम के बाद। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चार दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना, चलो फिर टाटा बाय बाय।